अस्सलाम वालेकुम। अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअल में वर्ड जब आप सुनते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है या फिर ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है, तो दो तरह की हो सकती है। अब हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये सेल की रेस्पिरेशन है, जिसमें हम सी और एच बॉन्ड को तोड़ते हैं और हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। ग्लूकोज के अंदर जो सी एच बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। जो दूसरा प्रोसेस होता है बेटा, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या हम उनको कहते हैं ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, गैसियस एक्सहेल। सिंपली इसमें आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो ये होती है गैसियस एक्सचेंज। अब हमारे पास हमारा जो इस चैप्टर में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसकी दो टाइप्स होती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है। देखिए जी, सिंपल सी बात यह है कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी तो उसको हम कहते हैं एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो होगी एनएरोबिक। अब इन दोनों का एक कॉमन स्टेप होता है, यानी कि चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, एक स्टेप ऐसा होता है जिसने एनर्जी देनी ही देनी होती है, और ऑलमोस्ट ये दो एटीपी हमारे पास प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोलिसिस इसका नाम होता है। और इसके बाद हमारे अब आगे फर्दर एरोबिक की जो स्टेप्स होते हैं ये दोनों का कॉमन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये आगे डिफरेंट पाथवे ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में पाइरोविक एसिड बनेगा, और पाइरोविक एसिड जो बन गया है हम कहते हैं कि पाइरोविक एसिड से आगे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो हम आगे पढ़ते हैं कि उसकी दो टाइप्स होती हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहल बनती है। लेकिन हम यहाँ पे अभी पहले डिस्कस करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स। तो जब ग्लाइकोलिसिस हो जाती है उसके रिजल्ट में जो पाइरुवेट भी कहते हैं, पाइरोविक एसिड भी कहते हैं, ये जो बनता है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन के बाद वो फिर आगे किसमें, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम होते हैं, ये सारा काम किसमें होता है जी, ये सारा काम स्ट्रोमा में होता है। और इसके बाद क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, और रेस्पिरेटरी चेन देन स्टार्ट होती है। तो अब हम सबसे पहली बात देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। साइटोसोल के अंदर होती है, नॉट स्ट्रोमा, एक्चुअल में ये साइटोसोल के अंदर होती है। इन द साइटोसोल हम कहते हैं जी कि ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज के साथ एटीपी अटैच होती है, और एटीपी के साथ हमने इसकी फॉस्फोराइलेशन कराई है, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गई, फॉस्फेट की एडिशन करा दी एटीपी का मतलब ये है, तो एडीपी वापस ले लिया और पी इसके अंदर एक ऐड हो गया। अच्छा, हम कहते हैं इसका आगे आइसोमेरिक फॉर्म में जो एंजाइम है वो आइसोमरेज इसको हेल्प करवाता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर ये चेंज हो जाता है और ये आपस में चेंज होते हैं। देखिए ग्लूकोज एल्डो शुगर है और जो फ्रुक्टोज है वो कीटो शुगर है, तो ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना, देन हमने दोबारा एटीपी को यूज़ किया और उससे फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बनाया, यानी कि एक हमने पहले स्टेप में एटीपी यूज़ किया और एक दूसरे स्टेप में, तो दो एटीपी पहले हमने यूज़ किए, ठीक है जी, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और इसके बाद क्या होता है, ये फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है G3P, जो हमने पीछे भी आपने पढ़ा, दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और अब ये देखें यहाँ पे, ये आगे से फिर आइसोमरेज की मदद से ये या तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP भी इसको कहते हैं, यानी कि ये देखें यहाँ पे एसीटोन है तो ये कीटोन है, एक्चुअल में ये एक कीटोन, ये भी इनकी भी आप आइसोमेरिक फॉर्म हो सकती है, यानी कि ये इस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, इस फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि ये कीटो से एल्डिहाइड के अंदर दोबारा से चेंज होता है, यानी कि एक तो ये अपना साइकिल नॉर्मली चलाएगा और एक अपने का, यानी कि ये जब चेंज हुआ है तो फिर ये एक साइकिल होगा, मतलब ये कि एक चेन चलाएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे दो होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ग्लिसरेलाइड 3-फॉस्फेट है, यहाँ पे हमने NAD को यूज़ किया और NADH बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में ग्लिसरेलाइड 3-फॉस्फेट में हमने डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ किया, जो इसकी हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा और वो वाले हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव के साथ मिलके NADH बना देगी, निकोटीन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलके
NADH बना देगा। इसके बाद ये जो 3-glyceraldehyde 3-phosphate था ये 1,3-bisphosphoglycerate के अंदर चेंज हो गया। देखिए जी यहाँ पे क्या हुआ है, डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन रिमूवल, और हाइड्रोजन की रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं सिंपल। तो पीछे वाले रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में आपने पढ़ा कि पाइरोविक एसिड, सॉरी जो आपके पास फॉस्फोग्लिसरेट था, वो ग्लिसरेट PGA जो था उससे आपके पास G3P बना, इसको हमने रिडक्शन कहा, यानी कि एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड से वो एसिड बन गया है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, या इसको हम कहते हैं कि ये डिहाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। 1,3-bisphosphoglycerate, अब यहाँ पे हमने ADP को यूज़ किया और यहाँ पे 1,3-bisphospho है, तो ये 3-phospho के अंदर, यानी कि 3 इसके फॉस्फोरस ले लेंगे, तो ये हमारे पास 3-phosphoglycerate आ गया। फिर हमारे पास इसको 2 में चेंज किया, यहाँ पे हमारे पास 2 ATP बने हमारे पास एक, तो ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं 3 से फॉस्फो इनोल पाइरुएट बनता है, या वाटर की रिमूवल कराते हैं। ये वाली बात आपने याद रखनी कि जब इसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इसकी 2-phosphoglycerate की डिहाइड्रेशन से एक्चुअली फॉस्फो इनोल पाइरुएट बनता है। ये देखिए साथ में 2-2 लिखा हुआ, इसका मतलब है 2-2 मॉलिक्यूल, जैसे मैं ऐसे बता रहा था ना ये चेन, तो 2 लिखा हुआ इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 इसके, 2 इसके, इस तरह से ये होता है जी, ठीक है जी। अब ये एट द एंड फिर किस में चेंज हो जाता है, फिर 2 ATP को यूज़ करके ATP बनाता है, ठीक है जी, और पाइरुएट, यानी कि 2 ATP ऊपर यूज हुए और हमारे पास 2-4 ATP हमारे पास नीचे फॉर्म हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस तो 4 ATP बने हैं, लेकिन नेट नेट किसके बराबर है, हम कहते हैं कि ग्रॉस माइनस यूज्ड, ठीक है जी। तो हमारे पास नेट जो रिजल्ट आता है वो ग्रॉस माइनस यूज्ड, 4-2 विल बी द 2, नेट प्रोडक्ट क्या होगा जी, 2 ATP फॉर्मेशन। अच्छा, इसके बाद जो ऊपर NADH बना था वो भी इसका प्रोडक्ट होता है, और 2 पाइरुएट के मॉलिक्यूल्स भी इसका जो है वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये वाली बातें थी इसकी ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप की। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप एक और चीज़ को नोट करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो पाइरोविक एसिड है, या जिसको हमने पाइरुएट कहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें C3H4O3, ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6। अब 2 मॉलिक्यूल बने थे, इसका मतलब है C6H8O6। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन किधर गए, तो देखें जी बेटा यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जो आपने हाइड्रोजन रिमूव कराए थे ना, 2NAD यहाँ पे यूज़ किया और 2NADH यहाँ पे बना, और इस तरह से आपके पास इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से, सॉरी 4 ही रिमूव हुए ना, तो यहाँ पे इसके 2NADH के साथ इसके वो वाले प्रोडक्ट, मतलब 2 दफ़ा यूज हुआ है ना, तो इस तरह से इसके 4 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए और पाइरुवेट इसमें बन गया है, इसको पाइरोविक एसिड भी कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी, पाइरोविक एसिड हो गया है, अब पाइरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है जी। अब पाइरोविक एसिड की अगर आपने ऑक्सीडेशन करानी है तो आपके पास क्या होगा, ये वाली बात आपने याद रखनी है जी। तो यहाँ पे आपके पास होता कुछ है कि ये साइटोसोल के अंदर ये बन गया पाइरुएट आपके पास, या पाइरोविक एसिड। अब ये मूव करता है इसके अंदर टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये मूव करता है तो को एंजाइम ए जो होता है, ठीक है जी, वो इसकी हेल्प कराता है, और साथ में NAD जो कि एक और कोएंजाइम है जिसको निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो ये NADH बन जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन एक्चुअल में ये ले लेते हैं, यानी कि इसकी हाइड्रोजन रिमूव होगी तो ऑक्सीडेशन है सिंपल। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिमूवल होती है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल से अल्टीमेटली एक कार्बन कम हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एसीटाइल COA। एसीटाइल जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, वो याद रखना है आपने, इसको कहते हैं, ये है एसीटाइल आपके पास, और इसके साथ अगर कोएंजाइम मिलेगा तो ये एसीटाइल CO बन जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है और ऑक्सीडेशन भी हुई है, इसको कहते हैं पाइरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज द क्रेब्स साइकिल, और ये वाला जो प्रोसेस है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें होता क्या है,
हमारे पास जो वो एसिटाइल सी ओ ए बना था, अब वो डिफरेंट फेजिस से गुजरेगा विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। और माइटोकॉन्ड्रिया की डिफरेंट फेजिस से गुजरने के बाद वो हमारे पास हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हम कहते यूँ हैं कि वो किसके साथ मिलेगा, एसिटाइल सी को एंजाइम ए जो है ये दो कार्बन रखने वाला है ना, टू कार्बन। हमने देखा था कि जब पाइरूविक एसिड में एक कार्बन रिमूव हो गया डीकार्बोक्सिलेशन के जरिए, तो दो कार्बन बचे। और यहाँ पे जो आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है और ये सिट्रेट फॉर्मेशन कर देता है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो कोएंजाइम सबसे पहले स्टेप में ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा और सिट्रेट फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट है, ये फोर कार्बन स्ट्रक्चर होता है, फोर कार्बन और टू कार्बन, तो ये मिलके सिक्स कार्बन सिट्रेट बना देते हैं। अब ये जब सिक्स कार्बन सिट्रेट बन जाता है, तो यहाँ से कोएंजाइम हमारे पास वापस यूज़ हो जाता है, वापस हम ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि सिट्रेट सिंथेसिस के ज़रिए से ये सिट्रेट बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर सिट्रेट के बनने के बाद यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम होता है, जो कि इसको आइसोसिट्रेट में सेम इसके अंदर भी सिक्स कार्बन होते हैं और ये इस तरह से इसके अंदर चेंज हो जाता है आइसोसिट्रेट, जो कि इसके आइसोमेरिक फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने चीज़ याद रखनी कि एक तो उसका हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। जैसे आपने पाइरूविक ऑक्सीडेशन में पढ़ा, देखिए बेटा जहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा दो जगह पे ऐसे होगा, यहाँ पे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में रिमूव होता जाएगा। सिर्फ एंड वाली स्टेज के अंदर ऐसा होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इसका रिमूव होगा, बट फिर नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। दो जगहों पे ऐसा होता है कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होते हैं। तो एक तो हमारे पास है आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट की फॉर्मेशन होती है, और ये जो होता है ना ये फाइव कार्बन है, ठीक है जी। सॉरी हाँ सही है, ये एक्चुअल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होने के बजाय रिमूवल हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिक्स कार्बन से फाइव कार्बन में चेंज हो गया। देन अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आप देखें एनएडी पॉजिटिव से एनएडीएच बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाती है। तो ये फाइव कार्बन से किस में कार्बन, फोर कार्बन के अंदर चेंज हो जाता है और ये बनता है हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम के जरिए, सिंथेसिस के जरिए से। आगे ये वाला प्रोसेस बताता हूँ, सक्सिनेट बनाता है ये फोर कार्बन कंटेनिंग, ठीक है जी। यानी कि ये तो एंजाइम है, एक्चुअल में ये कार्बन नहीं है, कार्बन वाला हमारे पास प्रोडक्ट ये बनता है। अच्छा, इसके दौरान में क्या होता है, ये यहाँ पे ना एक्चुअल में काफ़ी ऐसे स्टेप हो रहे होते हैं, उन स्टेप के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में हम कहते हैं कि यहाँ से जो एनएडी पॉजिटिव से एनएडीएच बना है, तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ना, ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करता है जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को, और वो फिर एनर्जी लेने के बाद मिलते हैं और जीटीपी फॉर्मेशन। यहाँ पे देखें जीडीपी से जीटीपी फॉर्मेशन होती है, और जीडीपी आगे जीटीपी फिर क्या करता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस में फॉस्फेट आ गया है ना, यानी कि वो बना था एक्चुअल में जीडीपी से। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यू कैन सी हेयर के जीडीपी से जीटीपी बना, और जीटीपी से आगे क्या हुआ, एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद जो हमारे ये वाली इसके ज़रिए हमारे एक एटीपी आ गया, और अभी तक हमारे पास दो एनएडीएच फॉर्मेशन हो चुकी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होता है, सक्सिनेट फोर कार्बन है और ये भी फोर कार्बन है। होता क्या है कि यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज के ज़रिए से डिहाइड्रोजिनेशन होती है, और यहाँ पे जो कोएंजाइम है वो है एफएडी, ये वाली बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे आगे फ्यूमरेट बन जाता है, फ्यूमरेट के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो मैलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और देन मैलेट जो होता है, मैलेट से एनएडी के ज़रिए दोबारा से डिहाइड्रोजिनेशन हो। देखिए ये आपके पास कितनी दफ़ा हाइड्रोजिनेशन हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, एक दफ़ा, यहाँ पे दूसरी दफ़ा, यहाँ पे तीसरी दफ़ा, और यहाँ पे चौथी दफ़ा। लेकिन यहाँ पे जो दो दफ़ा हुई है, इनके साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई है, और यहाँ पे एक तो एंजाइम और था, और यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, ये वाली बात आपने याद रखनी है। उसके बाद दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और ऑक्सैलो एसीटेट के बाद दोबारा वो कोएंजाइम जो कि टू कार्बन कंटेनिंग है, दोबारा मिलके ये सारे फोर कार्बन, ये भी फोर कार्बन,
तो ये सारे मिलके दोबारा से सिट्रेट की फॉर्मेशन करते हैं। अब बेटा इसको याद रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं एम एफ साइको, यानी कि अगर इसको स्टार्ट करें तो इसको उल्टा मैंने बनाया हुआ है निमोनिक इसका, मैलेट फोर कार्बन, देन हमारे पास क्या बनता है फ्यूमरेट एम एफ, देन हमारे पास क्या बनता है एस सक्सीनेट, ए स्टैंड फॉर एल्फा कीटो ग्लूटारेट, आई स्टैंड फॉर आइसोसिट्रेट, सी स्टैंड फॉर सिट्रेट एंड ओ स्टैंड फॉर ऑक्सैलो एसिटेट। यानी कि आपके पास जो यहाँ तक ये सारे क्या हैं फोर कार्बन, ये भी क्या है फोर कार्बन, और आपके पास जो ये वाले हैं ना ये फाइव कार्बन, और सिट्रेट और आइसोसिट्रेट सिक्स कार्बन। ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से सिट्रिक एसिड साइकिल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन हमारे पास आता है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बारे में हमारे पास ये चीज़ है कि होता कुछ इस तरह से है, जब हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करते हैं इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं NADH को यूज़ किया जाता है और उससे NAD पॉजिटिव और H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम क्यू के पास चले जाते हैं और उस कोएंजाइम क्यू के पास जाने के बाद क्या होता है कि ये साइटोक्रोम जिसको हमने कहा कि ये क्यू है, क्यू के पास जाने के बाद ये इसी कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास सेकंड FADH जो कि सेकंड कोएंजाइम है उसको यूज़ किया जाता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि साइटोक्रोम सी के पास वो जाता है, साइटोक्रोम सी के बाद वो फोर के पास आता है और इस तरह से ये इनके क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि जो मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन का मतलब होता है आउटर और इनर के दरमियान वाली स्पेस है और हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से इस तरह से हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट की वजह से एक्चुअल में ATP फॉर्मेशन हो रही होती है। तो इस तरह से ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इस चेन के रिजल्ट में क्या होता है एक्चुअल में ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेस्पिरेशन की टाइप्स, और ये कौन सी है एक्चुअल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसका जो रिज़ल्ट होता है इसके दो प्रोडक्ट, इसका नाम रखा जाता है इसके प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, हम कहते हैं लैक्टिक एसिड अगर बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है और अगर अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है एक्चुअल में, यहाँ पे हम ना पाइरुवेट को यूज़ करते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो पहला स्टेप क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस और उसका प्रोडक्ट होता है पाइरुवेट, और पाइरुवेट के बाद लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है और प्लस में एनर्जी बनती है। सेकेंड जो होता है वो ग्लूकोज से या पाइरुवेट से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी बनती है। अच्छा ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये बेवरेज और बेकरीज के अंदर केक वगैरह बेकिंग के काम के लिए यूज़ की जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो आप देखते हैं नॉर्मली केक के अंदर उभार नज़र आता है आपको फूला हुआ नज़र आता है वो ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। दैट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच।